ये जो फोर हेड है ना इसको इस तरह प्रेस करके ऊपर, और ये देखिए कितनी ज्यादा डस्ट मैल मिट्टी जो होती है, उम्र जो है ना वो कम नजर आती। और ऐसे उल्टा हाथ किया यहाँ से ऐसे मसाज, तो इनसे भी काफी फर्क पड़ता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम फरमाए। तो आज मैं एक आपके साथ न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुई, और वीडियो जो है ना वो बहुत कमाल की होने वाली है। पूछे क्यों, क्योंकि आज मैं एंटी एजिंग मसाज आपको बताने वाली हूँ, और के जिनके फेस पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वो झुर्रियों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं ये, और साथ में एक टोटका भी बताऊंगी आपको। तो आपने मेरी वीडियो के साथ साथ रहना है और मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको समझ आए कि मैं कैसे बता रही हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जिनके रिंकल यहाँ पड़ जाते हैं फोर हेड पर, माथे पर यहाँ पर रिंकल पड़ जाते हैं ऐसे लंबी लेने यहाँ पर, और यहाँ चीक पर आंखों के नीचे जाती हैं, और फिर यहाँ झुर्रियाँ और यहाँ इस साइड पर बहुत बुरी लगती हैं, उनके लिए आज मैं आपको स्पेशल मसाज बताने वाली हूँ और साथ एक टोटका भी बताऊंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर दें। और YouTube फैमिली, तो चलते हैं आपको फेस दिखाते हैं कि कैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। और ये जिनकी पहले इस तरह झुर्रियाँ पड़ी होती हैं वो अगर मसाज करें ना तो मसाज से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तकरीबन 10 साल जो है एज वो कम नजर आती है। चले जी आपको फेस दिखाती हूँ कैसे हैं। ये देखें ये पड़ी हुई है रिंकल यहाँ पर है, ये देखें किस तरह लाइनें बनी हुई हैं, लाइनें बनी हुई हैं। ये देखें मैं आपको जरा दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें ये इस तरह जो लाइनें पड़ी होती हैं ना, ये वाली इस तरह जो लाइनें पड़ी होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। और ये देखें यहाँ पर ये सारी पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, ये देखें। तो यहाँ पर ये पड़ती हैं, ये वाली लाइन जो है और इस तरह की लाइनें पड़ती हैं, ये बहुत ही बुरी लगती हैं। और ये अपर लिप पर भी ये पड़ जाती हैं, ये देखें लाइनें बनी हुई, तो ये बुरी लगती हैं। ये देखें ये इस साइड पर भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इस साइड पर भी हैं इस तरह नीचे। तो इनको आज मैं ख़त्म करने का आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप मसाज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी झुर्रियाँ, और 10 साल उम्र कम नज़र आएगी। और ये देखें गर्दन पर भी होती हैं यहाँ पर लाइन, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। ये वाली क्लींजर लिया है सबसे पहले मैंने, और इससे करूँगी मैं पहला मसाज ताकि स्किन पर जो डस्ट मिट्टी वगैरह होती है ना वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आपको मैं झुर्रियों का मसाज एंटी एजिंग मसाज बताऊँगी। तो पहले इनको लगा लेते हैं, इससे करते हैं अच्छे से मसाज। तो पहले थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, लगा लिया हाथों पर, और मैं नॉर्मली इसका मसाज कर रही हूँ ताकि ना स्किन साफ हो जाए। तो ये मैंने नॉर्मल मसाज जो है ये मैंने कर लिया, अब इसको करती हूँ मैं साफ ताकि डस्ट मिट्टी जो है ना वो उतर गई है, इसको मैं साफ कर लेती हूँ आप अच्छे से, उसके बाद आपको झुर्रियों का मसाज बताती हूँ। तो ये देखें ये मैंने क्लीनिंग की है, और ये देखें कितनी ज़्यादा डार्क स्किन से रिमूव हो गई है, साफ हो गई है स्किन बहुत ज़्यादा, और शाइन कर रही है। तो ये अब मैंने एक मसाज क्रीम ली है एंटी एजिंग, आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरह पहले आप माथे का इस तरह करें मसाज, ये देखें ये जो लाइनें पड़ी होती हैं ना यहाँ पर इस तरह फिर इस तरह, तो इनको ऐसे मसाज करके आप लोगों ने ऐसे मसाज करना है इस तरह, ये देखें ऐसे मसाज करते जाएं आप तकरीबन 5 से 10 मिनट आप इस तरह आप ना मसाज करें। आप खुद भी कर सकती हैं इस तरह ऐसे ऐसे करके ना, खुद भी अपना कर सकती हैं ऐसे 10 मिनट तक इसका रेगुलर आपने मसाज करना है इस तरह, ताकि ये वाली चीज़ जो गिरी होती है ये भी ऊपर हो। ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर इसको ऐसे,
तो ये वाले जो रिंकल पड़े हुए हैं इस तरह यहाँ से इनको ऐसे मसाज करना है, ऐसे पीछे की तरफ ऊपर की तरफ मसाज करना है यहाँ से ऐसे, और ये चीज जो है इसको खींच कर यहाँ ले आनी है ऐसे, जो आईज के नीचे होते हैं आंखों के नीचे यहाँ पर जुड़ियां पड़ी हुई है ना ये वाली ऐसे लहने पड़ी हुई, इनको खींच कर यहाँ स्किन को टाइट करके यहाँ लेकर आना है ऐसे। और आंखों पर इस तरह करना है मसाज ऊपर की तरफ और यहाँ खींच कर ऐसे ले आना है इस तरह। तो देखना आप जिस तरह ये मसाज करते जाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तकरीबन आपकी 10 साल उम्र जो है ना वो कम नजर आती। और ये वाली जो जुड़ियां पड़ी हैं यहाँ पर इनको आपने ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है और ऐसे यहाँ पर टाइट करना है, ये देखें पीछे की तरफ। तो ये देखिए ये मैंने एंड पे चम्मच लिए हैं, दो चम्मच लेने हैं और इनसे आप लोगों ने यहाँ ऐसे मसाज करना है, आईज के नीचे ऐसे मसाज करना है इस तरह ऐसे ऐसे, ये देखिए। तो इनसे भी काफी फर्क पड़ता है। और मेरे पास वो पत्थर का रोलर भी पड़ा है, रोलर मसाज, तो उससे भी मसाज कर सकते हैं, तो इनसे भी मसाज कर सकते हैं क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड में है, इनसे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो आप लोगों ने इनसे भी मसाज करना है, अगर आपके पास रोलर नहीं है ना तो आपने ऐसे इसके साथ भी मसाज करना है, ये देखिए। इस तरह मसाज करते जाना है और यहाँ ये जो फोर हेड है ना इसको इस तरह प्रेस कर की तरफ ले जाना है इस तरह। और मेरे पास ऐसे रोलर मसाज पड़ा हुआ है, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था लेकिन वो दूसरे चैनल के, अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह आपने फोरहेड का इस तरह आपने मसाज करना है, ये देखे तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जो माएँ हैं, मासियाँ हैं, फुफियाँ हैं वो खुश हो जाएंगी जिनके चेहरे पर इतनी ज्यादा झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करें ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उनके मसाज करते हैं तो उनके नए नक्श जो है वो बहुत ज्यादा प्यारे हो जाते हैं, इसी तरह बड़े लोग जो होते हैं जिनकी उम्रें ज्यादा हो जाती हैं या कुछ कमी कैल्शियम की कमी की वजह से झुर्रियां पड़ जाती है तो उनके लिए ये मसाज जो है ना बहुत ज्यादा बेस्ट है। देखे ये जिस तरह मैंने चम्मच से मसाज शुरू किया, देखे प्रेस करने से कितना ज्यादा अभी देखे फर्क पड़ रहा है, ये देखे। इस तरह मसाज करने से ना ब्लड जो है वो भी सर्कुलेट होता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर इस ये आंखों के नीचे यहाँ पर ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट नहीं होता, तो इसकी वजह से ये झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं यहाँ पर इस तरह। तो ऐसे इनसे मसाज करेंगी ना तो ब्लड जो है वो सर्कुलर होगा और काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप डेली रूटीन बना लें ना इस तरह मसाज करने की तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये आप एक से दो माह, तीन माह तकरीबन ये करके देखें मसाज, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसका मसाज भी दिखाऊंगा साथ। अब मैंने 10 मिनट चम्मच से मसाज किया अच्छे से, आप फिर मैं हाथों की मदद से मसाज कर रही हूँ। तो ये ब्लीच मैंने बनाई है, ब्लीच लगानी है आप अम्मा के मुंह पर, अम्मा को साथ चिट्टा भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने झुर्रियाँ ख़त्म करनी थी, झुर्रियों का मसाज बताना था, हमने अम्मा को चिट्टा भी करना है साथ।
तो अब अम्मा का ये दो मसाज में निकाली है, क्लिंजिंग की और एंटी एजिंग मसाज। तो आज अब अम्मा को लगा रही हूँ ब्लीच, और ब्लीच लगा के साथ अम्मा के ये जो लिप्स है यहाँ पर लगाएंगे हम, लिप्स मार्क्स जो होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है जी मार्क्स, लिप मार्क्स होता है। तो ये अब मैंने ब्लीच लगा ली है, ब्लीच हम मैंने लगा ली है ये देखिए, और ये मार्क्स अब मैंने यहाँ पे लगाना है मुंहों पर। तो ये देखें ब्लीच जो है वो हो गई है हमारी, और ये मार्क्स लगाया था तो इसको उतार लेते हैं। ये देखें मार्क्स उतार लिए मैंने, ये देखें तो ये यहाँ पर रख दिया है मार्क्स। तो अब ब्लीच को करते हैं साफ पहले, देखें माशाल्लाह स्किन जो है कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, माशाल्लाह जी देखे स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। झुर्रियों का मसाज किया है तो देखे कितनी ज़्यादा स्किन भी ग्लो कर रही है, और ये वाली झुर्रियाँ जो थी ना ये भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं देखे, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, और यहाँ पर भी बहुत ही करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है जब मसाज करते हैं तो, और माशाल्लाह स्किन देखें कितना ज़्यादा ग्लो है, चमक आ गई, शाइन आ गई है, और ये चम्मच से मसाज करने से भी बहुत ज़्यादा होता है। देखें माशाल्लाह फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो इस तरह आप अगर ब्लीच ना करें, ब्लीच के अलावा आप लोग डेली मसाज करें ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इनका वैसे यहाँ गर्दन से ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना ये वाला, इसका ऑपरेट किया था, करवाया था इसने, तो उसकी वजह से ये निशान है और गर्दन पे ज़्यादा है, लेकिन फेस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो अभी इसको हम लगाएंगे मार्क्स, तो वो भी आपको दिखाते हैं कौन सा मार्क्स लगा रहे हैं। और वैसे मैंने आपको मसाज नहीं दिखाया क्योंकि हर किसी के पास जो भी अवेलेबल है, आपको नहीं दिखाएं इसलिए नहीं दिखाएं कि जो भी आपके पास मसाज पड़े हुए हैं आप उन्हीं से मसाज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, अगर बिदाम रोगन पड़ा है तो उससे भी आप ये मसाज कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो है ना, अगर मूंगफली का तेल मिल जाए ना आपको, मूंगफली का तेल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वो ले लें आप और उसका मसाज करें, रात को मसाज करें 2 मिनट और आप सो जाएं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मूंगफली के तेल से। और मुकम्मल हो गया हमारा फेशियल और ये मास्क सब मैं उतार रही हूँ, तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया अम्मा को भी, और झुर्रियों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे आप लोग करते जाते हैं ना, डेली डेली करना है, ये नहीं कि एक दिन किया और फिर ना किया फिर कहना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमें, तो ये डेली करने वाला काम है। ऐसे उंगलियों करके ना ये देखें, जैसे ये हमारी उंगली है ना, इनको ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ से ये देखें, ये हमारा हाथ है ना, इसको ऐसे उल्टा अपने लिए आपको आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप खुद कैसे मसाज कर सकते हैं। ऐसे उल्टा हाथ किया, ये मेरा हाथ गीला है मैंने लगा रहे, ऐसे उल्टा हाथ किया यहाँ से किया, ये देखे खींचे स्किन को पीछे और यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो इस तरह यहाँ से इस तरह आप मसाज कर सकते हैं, और जो हमारा फोरहेड है इसको ऊपर ऐसे करके ऐसे खींच के ला सकते हैं, और यहाँ से ऐसे खींच के ला सकते हैं, और ऐसे टाइट करके यहाँ से आप लोग मसाज कर सकते हैं ये, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे। और मैं इसको साफ कर लूँ और दिखाएं, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। है जी हमारा फाइनल रिजल्ट, तो इसी भी आप वीडियो का करते हैं एंड, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।